एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू एजाइल मेथोडोलॉजी पे। ये हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू एजाइल मेथोडोलॉजी। आइए जानते हैं एजाइल क्या होता है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी कहिए या एजाइल मॉडल कहिए, ये बिल्कुल सेम बात है। सो मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं एजाइल का। एजाइल का मीनिंग होता है स्विफ्ट, या फिर इसे बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, वर्सेटाइल या स्विफ्ट इसकी मीनिंग है। जो आपका एजाइल मेथोडोलॉजी है या एजाइल प्रोसेस मॉडल है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम कई सारे मॉडल को पढ़ते आ रहे हैं, जैसे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, इसी तरह से हमने बहुत सारे स्पायरल मॉडल, ये सारे मॉडल जो है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे हम एजाइल प्रोसेस मॉडल के अंदर भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ही देखेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू। ओके, तो एजाइल प्रोसेस मॉडल जो है इसका, ये आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। ठीक है, जिस जो कि किस पे बेस्ड है, इटरेटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। यानी यहाँ भी हम कुछ इटरेटिव जो है इटरेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी इटरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे इस मॉडल में, जो है एजाइल प्रोसेस मॉडल। तो एजाइल प्रोसेस मॉडल कुछ और नहीं है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इटरेटिव वे में डेवलप करेंगे। ओके, सो एजाइल मेथड जो है इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, उनको हम तोड़ते हैं स्मॉलर इटरेशंस में। सो एजाइल मेथड में हम टास्क को ब्रेक करते हैं या प्रोजेक्ट को ब्रेक करते हैं स्मॉलर इटरेशंस में, और इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है कितने टाइम ड्यूरेशन में, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पूरा का पूरा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो उसका पूरा ड्यूरेशन हम नहीं लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं स्मॉल स्मॉल जो है इटरेशंस में। ठीक है, तो इस जो प्रोजेक्ट स्कोप और रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं इस मॉडल के थ्रू, एजाइल प्रोसेस मॉडल के थ्रू जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आपका रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही बता देते हैं, वह डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इटरेशंस में आपका प्रोसेस जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका फिनिश होगा, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस लगेंगे, या फिर हर एक इसके इटरेशन का जो है ड्यूरेशन कितना होगा, उसका स्कोप कितना होगा, ये सारा कुछ एडवांस में हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं इस मॉडल के अंदर। फाइन, तो ये जो आपका एजाइल मॉडल है, एजाइल मॉडल के अंदर हम जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें हम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट प्रोसेस में शुरुआत में ही हम बता देते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। और उसके बाद इसमें हम आपके लार्ज प्रोजेक्ट को हम स्मॉल स्मॉल इटरेशंस में जो हम डिवाइड करते हैं, उन इटरेशंस की ड्यूरेशन क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा, ये सब भी हम एडवांस में डिफाइन कर देते हैं क्लियरली। ठीक है, और हर एक इटरेशन जो है वो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, एक फ्रेम की तरह, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं एजाइल प्रोसेस मॉडल के अंदर। तो जो आपका एजाइल प्रोसेस मॉडल है, इसमें हम जब बड़े टास्क को इटरेशंस में हम डिवाइड करेंगे तो हर एक इटरेशंस को हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये जो हर एक इटरेशन है वो 1 से लेके 4 वीक तक ही आपका चलेगा। यानी जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक जो पार्ट है, जो हमने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हर एक पार्ट जो है
1 से 4 वीक में पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो जो एंटायर प्रोजेक्ट का हमने डिवीज़न किया है स्मॉल पार्ट्स में, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें प्रोजेक्ट में जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। अगर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो अगर हम इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। और ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी टाइम है, यानी हम जो प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको टाइम लगेगा अगर इम्प्लीमेंट करने में, तो उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो हर एक इटरेशंस में हम टीम वर्क जो है इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसमें हम टीम वर्क लगाएंगे हर एक इटरेशन के अंदर। इसमें आपका प्लानिंग होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, जो हम रिक्वायरमेंट चाह रहा है यूज़र, उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कोडिंग करेंगे, देन टेस्टिंग करेंगे, एंड वर्क जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसको क्लाइंट को देने से पहले उसको टेस्ट भी हम करेंगे, ठीक है। सो इस तरह का आपका एजाइल मेथोडोलॉजी होता है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी जो आपका, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करेंगे, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करेंगे, फिर इटरेशंस को डेवलप करेंगे, कोडिंग करेंगे उसकी, फिर उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद हम उसको डिलीवर करेंगे या डिप्लॉयमेंट उसका करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सारे प्रोसेस के स्टेप्स हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जो है हमको करने हैं एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। कुछ फेजेस जो हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी के, जैसे स्टेप्स हर एक मॉडल में हमने देखा है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे हर एक इटरेशन के अंदर। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, उसको हम गैदर करेंगे, उसको हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और फिर हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को, अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे। फिर आपका उसको डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, इटरेशंस में आप उसको डिवाइड करेंगे, इटरेशंस में डिवाइड करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तब आप उसको डिप्लॉय करेंगे, क्लाइंट को दे देंगे, क्लाइंट को देने के बाद हम लेंगे उससे फीडबैक, ठीक है। सो ये आपके 6 फेजेस होते हैं आपके एजाइल मॉडल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमारा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस फेज के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जितनी टाइम हमारा लगेगा, जितना एफर्ट लगेगा उस प्रोजेक्ट को बनाने में, वो टाइम भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें हम टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ये भी हमें आइडिया किससे लगेगा, इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, जो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हम गैदर करेंगे, उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हम उस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली जो है वो बना पाएंगे कि नहीं, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारा कुछ हमें इसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन द रिक्वायरमेंट्स। अब क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो जब आपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप क्या करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स को आपने डिफाइन कर लिया, तो अब आपको, आप यूज़ कर सकते हैं यूज़र फ्लो डायग्राम को या फिर हाई लेवल UML डायग्राम को। इससे आप क्या करोगे, अपने वर्क को बताओगे कि उसका वर्क फ्लो किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा, ठीक है। और न्यू फीचर्स के लिए जो वर्क है वो भी आप इसमें, इस सिस्टम के थ्रू आप क्या करोगे, शो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और इटरेशन। अब जब आपका टीम जो आपकी बनी है, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, वो टीम अगर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर दी, तो आपका रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के बाद वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिज़ाइनर और डेवलपर हैं वो आपके प्रोजेक्ट को आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे बनाना, ठीक है, क्रिएट करना उसको स्टार्ट कर देंगे, सॉफ्टवेयर बनने लगेगा। तो
जो आपका एम है इस सॉफ्टवेयर को बनाने का वो क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट वर्किंग प्रोजेक्ट को क्या कर पाएँ, डिप्लॉय कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, वो हमारा बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी बग आया या कोई भी आपकी उसमें चेंजेस करने हुए, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सो आपका यहाँ पे जो इस इटरेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर पाएँ, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको हम छोटे छोटे इटरेशन्स में हम डिवाइड करेंगे, और इजीली इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करना होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में तो हम उसमें इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है, जो आपकी क्वालिटी अश्योरेंस टीम है वो क्या करती है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करती है कि कोई उसमें बग तो नहीं है, ये हम टेस्ट करते हैं टेस्टिंग फेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है, जो आपका टीम है, द टीम इश्यूज अ प्रोडक्ट फॉर द यूजर्स वर्क एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, जो टीम हमारा टेस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है वो टीम क्या करती है, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को क्या करती है, वो यूज़र को या क्लाइंट को दे देती है चेक करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे क्लाइंट को डिप्लॉय कर दिया जाता है आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद लास्ट फेज है फीडबैक का। तो ये फेज, इस फेज में क्या होता है, हम जब प्रोडक्ट को रिलीज कर दिए यानी क्लाइंट को हमने जब प्रोडक्ट दे दिया, तो लास्ट स्टेप आपका फीडबैक का होता है, और इसमें हमारा क्या करते हैं, टीम जो है हमारी फीडबैक रिसीव करती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि प्रोडक्ट के बारे में कौन सा फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी फीडबैक है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो वर्क जो है उस प्रोडक्ट पे फर्दर कर लेती है, ठीक है। तो ये आपके 6 फेजेस जो है वो एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। और ट्रेंड में अगर कहेंगे कि कौन सा मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम अब इस समय मॉडर्न एरा में हम यूज़ करते हैं, तो इस समय हम यूज़ करते हैं ट्रेंड में जो आपका है, जो रियलिस्टिक यूज़ हो रहा है, वो एजाइल मेथोडोलॉजी ही यूज़ हो रहा है, फाइन। सो आपको समझ में आया होगा एजाइल क्या है, आपको एजाइल मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।